नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से, जहाँ पर आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का इनॉग्रेशन कर दिया गया है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हो सकता है 25 दिसंबर को क्रिसमस वाले दिन इस ड्राइवरलेस मेट्रो का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा किया जाए, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस इसका इनॉग्रेशन आज किया गया है। इस ड्राइवरलेस मेट्रो को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन, जो कि जनकपुरी वेस्ट से बोटैनिकल गार्डन तक है, उस पर ऑपरेट करेगी। और इस ड्राइवरलेस मेट्रो को दिल्ली मेट्रो के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से ऑपरेट किया जाएगा। इस ड्राइवरलेस मेट्रो के इंट्रोडक्शन से दिल्ली मेट्रो रेल नेटवर्क दुनिया के उन 7% रेल नेटवर्क में शामिल हो गया है जो बिना किसी ड्राइवर्स के द्वारा ऑपरेट होता है। तो दोस्तों, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, और आने वाले समय में हमें इस तरह की ड्राइवरलेस मेट्रो दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन, जो मजलिस पार्क से शिव विहार तक है, उस पर भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आई है कलकत्ता वेस्ट बंगाल से, जहाँ पर कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड ने कलकत्ता में बंगाल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए पहला CNG स्टेशन सेटअप कर दिया है। बंगाल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड और ग्रेटर कलकत्ता गैस सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक जॉइंट वेंचर है, जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट को कम करने और नेचुरल गैस को एज ए फ्यूल के रूप में यूज़ करने के लिए वेस्ट बंगाल में कई CNG स्टेशन को सेटअप करेगी। कलकत्ता का ये पहला CNG स्टेशन कलकत्ता के गरिया कॉलोनी में सेटअप किया गया है, और आने वाले समय में कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड कलकत्ता में 7 और ऐसे CNG स्टेशन को सेटअप करने वाली है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर, जहाँ पर कल यानी कि 29 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एक सेक्शन का इनॉग्रेशन किया जाने वाला है। EDFC का ये सेक्शन न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा तक फैला है, जो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। EDFC का ये सेक्शन 351 किलोमीटर लंबा है, जिसको 5,750 करोड़ की लागत से कंप्लीट किया गया है। ये सेक्शन दिल्ली कानपुर मेन रेलवे लाइन के पैरेलल ही बनाया गया है, और इसके बन जाने से दिल्ली कानपुर मेन रेलवे लाइन एकदम डीकंजेस्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ इसका एक बेनिफिट ये भी होगा कि इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बनने से इंडियन रेलवेज दोनों पैसेंजर ट्रेन्स और फ्रेट ट्रेन्स को फास्टली और तेज स्पीड से रन कर पाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड की होली ओन सब्सिडरी कंपनी पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से, जहाँ पर पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मोटोरोला के साथ एक MOU साइन कर लिया है, जिसके अंतर्गत पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स मोटोरोला के लिए स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि मोटोरोला अप्रोक्सीमेटली पिछले 100 सालों से मार्केट में एग्जिस्ट करती आ रही है, और उनके साथ पार्टनरशिप करके स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग करना हमारे लिए गर्व की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए वो मोटोरोला के लिए पूरी तरह से कमिटमेंट के साथ हाई क्वालिटी ऑफ स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजीज की सब्सिडरी कंपनी पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PLI स्कीम के अंतर्गत सेलेक्ट किया जा चुका है, और मोटोरोला के लिए स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग वो अपनी उत्तर प्रदेश के नोएडा में एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है एप्पल के वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर विस्ट्रॉन की तरफ से, जहाँ पर दोस्तों कुछ दिन पहले विस्ट्रॉन के 44 एकड़ में फैले कोलार फैसिलिटी में फैक्ट्री के वर्कर्स के द्वारा कुछ अगली रेड्स देखने को मिले थे, जिस कारण विस्ट्रॉन को उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसी के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने विस्ट्रॉन को इस प्लांट को दोबारा ऑपरेशनलाइज करने के लिए उनकी मदद करने का वादा किया था। तो ऐसे में कल लेबर मिनिस्टर A. शिवाराम जी के द्वारा विस्ट्रॉन की कोलार फैसिलिटी का दौरा किया गया, जहां पर उन्होंने विस्ट्रॉन की फैक्ट्री में चल रहे रिकवरी वर्क का जायजा लिया। तो ऐसे में उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट निकल कर आ रही है कि गवर्नमेंट विस्ट्रॉन को फैसिलिटी को दोबारा ऑपरेशनलाइज करने के लिए पूरी तेजी से काम कर रही है, और आने वाले नेक्स्ट 20 डेज में विस्ट्रॉन की फैसिलिटी को दोबारा से ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है थाने महाराष्ट्र से, जहाँ पर थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा थाने के लिए लाइट मेट्रो ट्रांसिट सिस्टम को अप्रूवल दे दी गई है। थाने लाइट मेट्रो की टोटल लेंथ 29 किलोमीटर होगी, जिसमें 22 मेट्रो स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। थाने लाइट मेट्रो को एक सर्कुलर फॉर्म में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिससे कि थाने रेलवे स्टेशन और अदर प्रपोज स्टेशन को थाने मेट्रो से कनेक्ट किया जाए। दोस्तों, थाने लाइट मेट्रो का प्रपोजल इसी साल शुरुआत में रखा गया था, जिसके बाद फिर से थाने के लिए इंटरनल मेट्रो प्रोजेक्ट का प्रपोजल भी रखा गया, लेकिन थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इंटरनल मेट्रो प्रोजेक्ट को कैंसिल करके थाने लाइट मेट्रो को अप्रूवल दे दी है।
थाने मेट्रो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में टोटल 7,165 करोड़ का खर्च आने वाला है और आने वाले समय में हमें जल्द इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलुरु कर्नाटका से, जहाँ पर कर्नाटका फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर के अकॉर्डिंग कर्नाटका के बेंगलुरु में कर्नाटका स्टेट का पहला राइस एटीएम जल्द ही सेटअप किया जा रहा है। दोस्तों राइस एटीएम एक ऐसी मशीन होगी जो ऑटोमेटिकली राइस एंड ग्रेन्स को डिस्पेंस कर देगी और बेसिकली ये एटीएम सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्नपूर्ति मिशन के अंतर्गत सेटअप किया जाएगा। इस राइस एटीएम मशीन की बिल्ट इन कैपेसिटी 200 से 500 किलोग्राम तक होगी, जो 1.3 मिनट में 25 केजी की दो कमोडिटीज़ को डिस्पेंस कर पाएगी। दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ग्रेन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो ग्रेन्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेन ऑफिसर्स अपॉइंट किए होते हैं वो ज़्यादातर करप्ट होते हैं और बीपीआर कार होल्डर्स को राशन देने की बजाय वो इसको ब्लैक में महंगे रेट्स पर बेच देते हैं। इस तरह की माल प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह की राइस एटीएम जैसी टेक्निक्स को अपना रही है। दोस्तों ये राइस एटीएम बेंगलुरु के एक स्लम में सेटअप किया जाएगा और उसके बाद इस तरह के राइस एटीएम्स कर्नाटका के अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तराखंड में भी सेटअप किए जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।